तो रेंज के ऊपर हम बात कर रहे थे। ओके चलते हैं। तो यहां पे आप एक किसी एक एरिया को सिलेक्ट करना चाहो तो यहां लिखना पड़ेगा रेंज A1 से A10 डॉट सिलेक्ट, या फिर हम लिखते हैं रेंज A1 स्टार्टिंग पोजिशन और यहां पे या फिर A10 एंडिंग पोजिशन डॉट सिलेक्ट। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और डेटा मैंने मैंने डेटा लिया और इस डेटा में मुझे एक एरिया को सिलेक्ट करना हो जैसे A1 से G13, तो उसके लिए हम यहां पे करेंगे कि A1 से G13 सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना हो जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं ना, इसको सिलेक्ट किए कंट्रोल, इसको किए इसको किए इसको किए, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहां हम लिखेंगे रेंज जो भी है A1 C1 F1 F1 कॉमा G1 डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या होगा, जितना भी एड्रेस इसमें देंगे उसको कॉमा लगा के सिलेक्ट कर देंगे। ये मल्टी सेल सिलेक्ट आपका होता है जो कि इसके यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई मैनुअल सिलेक्शन की बात, अभी जो भी मैंने बताया और मैनुअल सिलेक्शन की बात हो। अब बात करते हैं ऑटो सिलेक्शन की, क्योंकि डेटा हम मैनुअली होता नहीं, हो सकता है डेटा हमारा इंक्रीज हो डिक्रीज हो, क्योंकि हम एक रिपोर्ट ऑटोमेट करेंगे तो हमारा जो इनपुट डेटा है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑटो सिलेक्शन कैसे होगा? तो उसके लिए कि आप यहाँ पे कंट्रोल ए करना चाहते हैं तो रेंज A1 स्टार्टिंग दे दीजिए डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। अगर इस कोड को आप लिखते हैं करेंट रीजन, क्योंकि करेंट रीजन क्यों लिखा, क्योंकि कंट्रोल ए जो हम करते हैं इसका जो ऑप्शन होता है वो हमारा करेंट रीजन होता है, इसलिए किया। ओके तो आपके एक डेटा एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। अब बात करते हैं कि अभी ये मैं अपने, क्योंकि कंट्रोल ए करने पे दिक्कत हो जाता है कि अगर आपके पास जो है फालतू के जो दो कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर दे तो मैं चाहता हूं जो नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो करते हैं। एक ऐसे सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे ये ग्रे ट्रायंगल है ऊपर टॉप लेफ्ट कॉलम उधर, वहां पे भी जैसे हम कंट्रोल ए की जगह हम ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो क्या ये सुनिए, इसको आपने क्लिक इस पे क्लिक किया तो पूरी सीट सिलेक्ट होता है, लेकिन कंट्रोल ए हम जो करते हैं तो हमारा यूज्ड यूज्ड एरिया सिलेक्ट होता है। ओके ठीक है, तो अगर पूरा सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखना है सेल्स डॉट सिलेक्ट, ठीक है? जो वो ग्रे ट्रायंगल का रोल है वो ये है सेल्स डॉट सिलेक्ट। हाँ वही है। ओके अब हम बात करते हैं कर्सर को मूव करने की। जब कंट्रोल के साथ हम तो एक एक कर्सर ऐसे मूव करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो यूज करें तो सबसे लास्ट में चला जाता है ना, अप करें तो सबसे ऊपर करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, राइट करेंगे तो राइट। तो इसके लिए क्या कोड होता है? उसके लिए होता है रेंज, वो भी एक स्टार्टिंग जहां से आपका कर्सर स्टार्ट होगा डॉट एंड। अब एंड में उसे हमने कर दिया एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। तो क्या होगा कि यहां से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस होगा और सबसे लास्ट में चला जाएगा, राइट? और इसे डाउन की जगह में अप कर दूं सबसे ऊपर चला जाएगा, अगर डाउन की जगह पर राइट कर दूं तो राइट चला जाएगा। ये इसमें होता है आप चूज करने, इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे सबसे लास्ट वाले कर्सर पे कुछ टाइप करवाना है, राइट?
तो पहले सबसे लास्ट में कस्टमर जाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमने डाउन कर दिया। तो ये जो दिया तो ये तो लास्ट वाले डेटा पे चला गया, मुझे लास्ट के बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक है उस पे जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं, ऑफसेट 1,0.select। तो 1 क्या है, रो है, 0 क्या है, कॉलम है। जितना रो एंड कॉलम आप मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो। तो ये ऊपर से कंट्रोल के साथ नीचे आएगा, ठीक है सर। प्लीज ये ऑफसेट एक बार और समझा दीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया, डाउन तक? यस सर। डाउन तक क्या करता है, कर्सर हमें यहां आ जाता है, मुझे इसकी इससे अगली सेल पे जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि डाउन जहां रुकेगा वो हमारा लास्ट सेल होगा, उसके बाद हमारा ब्लैंक सेल होगा। उस ब्लैंक सेल पे कुछ लिखना है, तो ब्लैंक सेल पे कुछ जाएंगे कर्सर लेके तभी तो कुछ लिखेंगे। तो कर्सर है उससे डाउन जाना है या राइट जाना है या अप जाना है या लेफ्ट जाना है, उसके लिए ऑफसेट का इस्तेमाल होता है। तो ऑफसेट में 1,0 मतलब कि एक रो और सेम कॉलम। अगर मैं यहां पे कॉलम 1 कर दूं तब क्या होगा, अब वो यहां से नीचे आएगा और एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं ये करूं कि एक नीचे आए और -1 जाए, वो क्या होगा कि एक कर्सर नीचे आएगा और माइनस रो भी पीछे चला जाएगा। तो यहां पे पीछे है नहीं, तो बी में होगा, तो एक नीचे आएगा और एक माइनस चला जाएगा। यहां बी करना पड़ेगा एक ही जगह पे। तो माइनस करते हो तो पीछे की तरफ, प्लस करते हो तो आगे की तरफ बढ़ता है। तो मैंने यहां पे 1,0 किया तो इसके नीचे आ गया। अब यहां पे मैं इजिली लिख सकता हूं कि सिलेक्टेड या सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गई। लेकिन प्रॉब्लम एक और है यहां पे कि अपना कर्सर यहां तक हमेशा नहीं पहुंचे। अगर मेरे डेटा में कोई ब्लैंक सेल हुआ, जैसे 2 ब्लैंक हो गया, अब मेरा डेटा यहीं पे पहुंच जाए, लेकिन मुझे चाहिए यहां, तो हम उल्टा सोचेंगे। हम क्या करेंगे कि नीचे किसी सेल पे चले जाएंगे और वहां से कंट्रोल अप करेंगे। तो अप करते हैं, सबसे पहला डेटा यही मिलेगा तो सबसे लास्ट डेटा में आके रुक जाएगा। तो यहां पे देंगे हम फॉर्मूला रेंज 65,000। हम यहाँ 1,000,000 भी दे सकते हैं, मैं 5,000 भी दे सकता हूं, एज पर योर डेटा आप कर सकते। एंड एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट, राइट। अब क्या होगा कि मेरा कर्सर पहले जाएगा 65,000 और फिर यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेगा और सबसे लास्ट डेटा जाएगा। अब लास्ट डेटा से अगली सेल का डेटा चाहिए, तो ये जो ऑफसेट हमने लगा रखा है ये ऑफसेट यहां हम लगा देंगे, ठीक है। सबको समझ में आया, सादिक जी, ईसा जी और बाकी जो लोग, शरद जी लोग, आ गए समझ में? यस सर। सर आपने एक्सेलप किया फिर उसके बाद ऑफसेट ऊपर ब्लैंक सेल के लिए किया है। होता है कि जहां पे कर्सर आपका रुकेगा वहां से आगे पीछे ऊपर नीचे कर्सर को मूव करने के लिए, नंबर ऑफ कर्सर, एक कर्सर, दो कर्सर, तीन कर्सर मूव हो जाए, सेल, सॉरी कर्सर में सेल मूव हो जाए। तो ये जो A13 जो है सेल नंबर आपका यहाँ पे आ गया, वो एक तरीके से कर्सर, मतलब यहाँ 13 आया, A13 आया कब, जब हम सिर्फ एन तक रखेंगे, एक्सेलेस अप तक रखेंगे, हाँ एक्सेलेस पर कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑफसेट 1 कॉमा हो गया तो 14 चलाएगा, ठीक है, समझ गया सर। पूछिए। हेलो सर, अगर मैं चाहता हूँ राइट साइड में मेरा डेटा जहाँ पे एंड हो रहा है ना, वहाँ पे जाके सबसे
और लास्ट में कर्सर जाए तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक्सेल टू राइट हो जाएगा, एक्सेल आपके जगह पे नहीं एंड हो रहा है तो राइट में जाएगा तो जो रो में एंड हो रहा है। क्या हुआ कि मैं इस तरह सिलेक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मैं पहले यहाँ से राइट में जाए एंड देन डाउन में राइट सर। के लिए होगा रेंज A1, A1 हमारा स्टार्टिंग हो गया और फिर यहाँ पे रेंज हमने बोला A1 डॉट एंड एक्सेलेस टू राइट, समझ गए? तो इस मेथड को फॉलो किया स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग A1 है और एंडिंग जो है यहाँ पे दो कोड मर्ज कर दिए, ठीक है ना? तो ये स्टार्टिंग एंडिंग सबसे लास्ट वाले को देखने को, अब मुझे इसी को नीचे की तरफ लाना है तो इसमें ये दो लाइन में लिखाएगा, अगला लाइन लिखाएगा कि सिलेक्शन, ये स्टार्टिंग है हमारा सिलेक्शन। सर एक सेकेंड, यहाँ पे रेंज आपने रेंज A1 कॉमा रेंज A1, ये दो दो बार रेंज A1 क्यों लिखे हैं? मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये जो ऊपर है ना सर, मैं मिश्रा जी, ये सिर्फ कर्सर को मूव नहीं कर रहा है, इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा है, मतलब ये कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस नहीं करेगा, वो कंट्रोल के साथ उसको सिलेक्ट करता हुआ जाएगा राइट में, समझ गए? तो जैसे मतलब यहाँ पे एक एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें हमारा एक पहला होता है स्टार्टिंग, दूसरा होता है एंडिंग, राइट? तो स्टार्टिंग तो हमारे पास है A1, एंडिंग का लोकेशन A ढूंढ लेगा, समझ गया? तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते रेंज A1 कॉमा एंड एक्सेल टू राइट, तो फिर ऐसा करेंगे तो कर्सर ले जाएगा, सिलेक्शन तो नहीं करेगा, सिलेक्शन पे तो दो चाहिए ना, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है सर, ओके समझ गए। उसी तरह से नीचे भी हुआ कि रेंज सिलेक्शन से सिलेक्शन एंड, मतलब कि पहले ऊपर वाली लाइन ने क्या किया, इसको यहां तक सिलेक्ट कर लिया, अब इस सिलेक्शन से लेके इस सिलेक्शन के लास्ट तक सिलेक्ट करना है, तो उस केस में हम ये करेंगे सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेलेरेट डाउन, क्योंकि नीचे तरफ आ जाए, ठीक है? तो आपको ये दो कोड, दो लाइन की कोड लिखनी पड़ेगी, तो क्या करेगा कि कर्सर A1 पे रखेगा, कंट्रोल से प्रेस करेगा राइट एरो एंड डाउन, ठीक है? लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपके पहली कॉलम एंड पहली रो में कोई ब्लैंक ना हो, और मान लीजिए कि यहां पे ब्लैंक है और मान लीजिए कि यहां पे ब्लैंक है, तो ये हमारा कोड जो है वो कोड यहीं तक रह जाएगा, समझे? तो अब कुछ ऐसा कोड बनाना है कि नहीं ऐसा ना रहे, तो थोड़ा सा तिगम करेंगे इसके लिए। तो पहले हम यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं सी, और यहां बोलते हैं कि रेंज XFD1 डॉट एंड टू लैफ्ट डॉट कॉल, ये क्या करेगा, XFD1 क्या है, ये आपका XFD1 सबसे लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम पे जा रहा है और वहां से वो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा है, तो सीधे आ जाता है हमारे लास्ट फिल कॉलम में। अब इस कॉलम का जो कॉलम नंबर है, क्या कॉलम नंबर है, 7, सातवां नंबर कॉलम, तो सात जो है वो इस सी नामक ऑब्जेक्ट पे स्टोर कर देता है, जो कि लास्ट क्लास में बताया था सी हम ABCD लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे में यहां पे आर लेता हूं और आर में लिखता हूं रेंज A65000 डॉट एंड, और फिर इसमें देता हूं एक्सेलेस टू अप डॉट रो। अब ये क्या करता है, सबसे नीचे जाता है और
ऊपर आता है। मैं 65,000 के देता हूँ इसलिए क्योंकि ये 2003 पे वर्क करे। आप 10 लाख भी दे सकते हो, 5 लाख भी दे सकते हो, 2 लाख भी, 5,000 भी दे सकते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें। यहाँ पे आएगा तो मुझे लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो का नंबर पता चला गया और ऊपर में हमारे पास A1 स्टार्टिंग है जो कि फिक्स है, पता है। तो कोड क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेंज स्टार्टिंग A1 द कंफर्म, एंडिंग में मेरे पास रो एंड कॉलम इन द नंबर फॉर्मेट में। तो मैंने क्या बताया था, सेल्स नंबर फॉर्मेट को सेल्स एक्सेप्ट करता है। यहां पर लिखूंगा सेल्स रो एंड कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो आपका डेटा कितना भी ब्लैंक क्यों ना हो, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है ईशा जी? यस सर। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो एक बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझिए। एक समझिए, हमें एक सिंगल सेल सिलेक्ट करने के लिए इस तरह की कोड की जरूरत पड़ती है। अगर कोड हमारा नंबर में है, जैसे कि R1C1 है, जैसे मैच फॉर्मूला देता है ना, वो है okay. इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कोई एक एरिया सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ये एक्सेल का मेथड हो गया और ये VBA का मेथड हो गया। ठीक है, VBA के मेथड में आते हैं तो ये स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है। दूसरा, अगर हमें कर्सर को मूव करना हो तो एंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एंड का। एंड का ओके तो हमने यहां पे, हमें पता नहीं है कि हमारा लास्ट कॉलम और लास्ट रो क्या है। तो लास्ट कॉलम मुझे इससे पता चल रहा है, लास्ट रो मुझे इससे पता चल रहा है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्ट यहां भी डाल सकता हूं। अगर मैं R1C1 ना किया तो मैं डायरेक्ट इसी को कॉपी करके यहाँ आर के जगह इसी की जगह पेस्ट कर सकता हूं और यहां इसको आर के जगह पेस्ट कर सकता हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। इसलिए हम यहां पे वेरिएबल पे रखे और फिर इसको कॉल करें। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हो गया और एंडिंग पोजीशन सेल्स।